255। अब रेड है ना, रेड के अंदर भी बहुत सारे रेड कलर होते हैं, जैसे मैंने शर्ट पहनी हुई है तो आप बोले कुछ इसको रेड बोलेंगे कुछ इसको मरून कलर बोलेंगे, ठीक है। नई महीने पहनी हुई चेक शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से इसको आप क्या बोलेंगे, ऑरेंज है ये, यस सर, ठीक है। कौन सा ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज है, लाइट मीडियम ऑरेंज है, ठीक है, मल्टीपल शेड्स है ना। इसी तरीके से ये जो ऑरेंज है, ये ऑरेंज से थोड़ा डिफरेंट है, लाइट है, ठीक है। हर आर जी बी की अगर हम बात करें ना, आर जी बी हर कलर के जो वेरियंट्स हैं, वो जो उसके शेड्स हैं, वो 0 to 255 है। कितने? 0 to 255। तो टोटल कितने शेड्स हो गए? 256। कितने हो गए? 256। 0 to, क्योंकि कंप्यूटर में इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। पढ़ी थी ना सबने? यस सर। अब 255 कलर हर कलर में मौजूद है, रेड में भी, ग्रीन में भी और ब्लू में भी। अगर मैं 255 को मल्टीप्लाई करूँ 255 से, तो ये बन जाते हैं 65,025 कलर। कितने बन गए? क्योंकि कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबके। अब दोबारा मल्टीप्लाई पे 255 करूँगा तो अब गिनने कितने बन गए, 1,65,000, ठीक है, 1,65,81,375। इतने कलर्स मौजूद हैं। वो जो आठ जी बी की आपने बात करी ना, तो उनका कोड दे के हम वो एक कलर बनाते हैं उसमें से। मेक सेंस? तो बिल्कुल नहीं समझ, मिनिमम है, मिनिमम है जो ना, आप कलर्स तो जितने लेना चाहें आप खवातीन से जी आप दो भी दे सकते हैं, जीरो और वन भी दे सकते हैं। हाँ जीरो भी दे सकते हैं, जीरो और बैलून लेवल डिफरेंट तरह से आपका एट बैलून चीज अंदर ऐसा डिफरेंट है ना, 32 बिट आई हाइफन ग्रे हाइफन 300। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड है जिसमें हम 256 कलर, कितने कलर थे, 16 मिलियन ना। इसीलिए आप क्लाइंट आपसे बोले कि भाई मुझे तो रेड कलर में जो है ना लोगो चाहिए था, अब आपने बना दिया लाइट रेड कलर, क्लाइंट ने बोल दिया डार्क रेड चाहिए था, आपने बता दिया डार्क रेड कलर, क्लाइंट बोल दिया मुझे और डार्क चाहिए था, ठीक है। तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, इसीलिए बीच में आया फिग्मा। क्या आया? फिग्मा इस तरह के इश्यूज सॉल्व करने के लिए क्लाइंट को डिज़ाइन दिखा के, कलर दिखा के, फॉन्ट साइज दिखा के, पिक्सल स्पेडिंग मार्जिन दिखा के क्लियर कर लिया कि सर ये फाइनल है, ये कायम भाई फाइनल है ना। यस सर। भाई बाद में चेंज तो नहीं करोगे ना, क्लियर है ना। फिग्मा के अंदर बाद में जब कुछ चेंज नहीं करोगे, फाइनल हो गया की तरह से आप वो डिजाइन करके फिग्मा के अंदर आपके पास तीन तरह के डिजाइन होते हैं। मैं आपको बताऊं, नंबर वन आपकी मोबाइल जो जो आपका डेस्कटॉप है ना, इसका डिजाइन, किसका डेस्कटॉप। दूसरा डिजाइन आपके पास आता है मोबाइल की, वही चीज आपने मोबाइल पे रिस्पॉन्सिव कैसे करनी है। तीसरा डिजाइन जो आता है आपके पास आता है टैबलेट का, टैबलेट पीसी होते हैं छोटे वाले। तीन तरह के डिजाइन होते हैं आपके पास, लेकिन जो अभी जो हमने आपको बेसिक दिखाई वो क्या दिखाई, फिग्मा का डेस्कटॉप डिजाइन। इसी तरीके से यही आपका रोड मैप है, आप लोगों ने वेबसाइट्स भी बिल्कुल ऐसे ही बनानी है, पहले डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के साथ मोबाइल, उसके बाद टैबलेट। मेक सेंस? अब चीजें क्लियर हो रही है, कंफ्यूजन दूर हो रही है, ये अभी भी चल रहा है कुछ, ऑल क्लियर। पीछे वाले हजरात ब्लैक टी शर्ट पहनी में येलो कलर से कुछ लिखा हुआ है, प्लीज स्टेज पे आ जाए। हाँ आपको बुला रहा ये जितना कॉन्फिडेंस है उसका कलर भी बताएगा जो भी लोग सही समझ आवाज नहीं आनी, क्या हो गया सर से मोटिवेट करे, मैं लास्ट में बैठा हूँ, मुझे समझ आ रही बात, क्या हो गया आप लोग को? ये तो उल्टी आप लोग ही क्लास से ना रहे भाई। सर ने फिग्मा की बात की है अभी, तो बेसिक समझे के बेस बना दिया आप लोग, बनना भी चाहिए।
बाय द वे जो कमेंट्स कर रहे थे लिखाई की उस पर नोट नहीं ध्यान नहीं दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, टेंशन नहीं लें, सर साथ हैं आपके और मैं सही बता रहा हूँ कोई पैसे नहीं दिए मैंने और मुझे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है मैं उस्ताद के चेयर पे बैठ रहा हूँ क्योंकि उस्ताद की कदर करने बहुत इम्पोर्टेंट टीचर है आपके और मैं संडे नाइट में आता था और लिटरली इस टाइम पे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं खुद ही ई कॉमर्स वगैरह करता हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं और उस्ताद ने मुझे इस जगह पर बिठाया, मैं इतना नर्वस हूँ, मुझे उस्ताद की उन्होंने बोला कि मैं बिठाया ये बताएं जो अभी तक पढ़ा वो समझ में आ रहा है थोड़ा जी सर ये समझ आया है कि आपने ना जो फॉन्ट्स डिज़ाइनिंग और जो फ्रंट एंड कस्टमर को जो अट्रैक्शन होती है ना कैच करना किस तरह उसको गाइड किया जाता है तो वो सबने जो सिनेरियो बताया समझ आया हेडर फुटर और बाकी जो फॉन्ट डिज़ाइनिंग है क्योंकि मैं खुद ही शॉप का काम करता हूँ तो मुझे इसलिए पता है तो ये सिनेरियो है HTML CSS का मतलब ये है शॉर्ट मैं बोलता हूँ जो मेरा ओपिनियन है HTML आपने सब कुछ लिख लिया उसका मेकअप बनाना है ना मतलब उन जो गर्ल्स का मेकअप होता है ना वो सिंगार नहीं जो यहाँ का सिंगार है वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और थ्रू पैडिंग और डिफरेंट वगैरह जो आप एडजस्टमेंट करते हैं आउट ऑफ नोवेयर एक ऐसा बंदा आया जो ऑलरेडी ई कॉमर्स का काम कर रहा है मार्केट में पैसे भी कमा रहे हुए जब ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं जी सर मैं आता है ना आपने कहा था और कुछ बताएं पीछे के बारे में चलिए सो द थिंग इज के अल्हम्दुलिल्लाह पिछले लोगों को भी समझ में आ रहा है ठीक है मैं ही एज्यूम कर रहा हूँ तो आप लोगों ने अब इस तरीके से आगे बढ़ना क्लियर हो गया इंशाल्लाह फिग्मा की बेसिक समझ में आ गई आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में फिग्मा का डिजाइन मिलेगा आपको अभी नहीं मिलेगा ठीक है अभी आप लोग इंटरनेट से जो भी हो सकता है वो खुद हेल्प लेके बनाएंगे करेंगे जिनका सवाल आया था ये मेरे पास लिखकर आया था कि सर रोड मैप बता दें तो रोड मैप क्लियर हो गया अब बताएं व्हाट्सएप पे लोग देखेंगे देखिए मुझे पता है मैंने इसके बाद ग्रुप्स वही ना वो क्या सर सिंपल ये करना है कि आपके डिजाइन पेज वेबसाइट बनाते नहीं सारे ग्रुप बनाना नहीं सीखना बना बनाया कोई भी फिग्मा का डिजाइन उठा ले और उस पे काम शुरू कर दे आप लोगों सारे ग्रुप को डिलीट होना है 50 ग्रुप डिजाइन आपने नहीं बनाना यूआई यूएक्स डिजाइनर नहीं है डिजाइनर आपको डिजाइन देता है किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में एक्सक्यूज मी किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में ऐसे काम होता है सबसे पहले एक सेल्स की टीम होती है वो रब्ता करती है कस्टमर से कस्टमर आया उनके पास मैं आपको वो पूरे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो फिर अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं लेट सपोज कि कस्टमर के पास लोगो पहले से मौजूद था नहीं है तो हम लोगो बना के देंगे पहले उस लोगो के बेसिस पे हम कलर निकालेंगे कि पूरी वेबसाइट की थीम क्या होती है मेक सेंस ठीक है फिर उसके बाद वो डिज़ाइन बना के हम कस्टमर को देंगे कस्टमर अप्रूव करेगा वो फिर आ जाएगा डेवलपमेंट टीम के पास डेवलपमेंट टीम उस डिज़ाइन को पूरा कोड करके देगी फंक्शनलिटी जो उसने बोली होगी वो कंप्लीट करके देगी क्लाइंट को देगी क्लाइंट को कह दिया प्रोजेक्ट डन पैसा आ गया जिंदाबाद ठीक है दिस इज हाउ इट वर्क्स कंप्लीट प्रोसेस तरीके से चलता है और मैं यही चाहता हूँ सर नहीं भी हम सब यही चाहते हैं कि इस क्वार्टर के एंड पे कम से कम इस काबिल हों आप लोग कि आप लोग ये ऑफर कर रहे हो कि सर आपकी वेबसाइट हम बना के दे सकते इंशाल्लाह मतलब क्वार्टर टू के एंड में किसी सॉफ्टवेयर हाउस में भी जाए तो वहाँ पे आप लोग ये जरूर बोले जाके सर वेबसाइट आपको दे दी तो हम वेबसाइट बना सकते हैं नेक्स्ट पे बना सकते हैं सर हम सर नेक्सस पे बना के डिप्लॉय भी कर सकते हैं इंशाल्लाह इस तरीके से वेबसाइट बना के सर हम इसमें पिक्सेल परफेक्ट वेबसाइट आपको दे देंगे बना के इसमें फंक्शनलिटी चाहिए ये भी सर ये ले रिएक्ट वाली फंक्शनलिटी ले लें सर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट व्यू जेएस है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट व्यू जेएस है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते फिर व्यू जेएस ही किया गया खैर अपार्ट फ्रॉम दैट क्लास समझ में आई यस सर कोई कंफ्यूजन नो सर कोई प्रॉब्लम नो सर बॉयज की तरफ से आवाज आ रही बॉयज क्लास समझ में आई Awesome. Girls, क्लास समझ में आई इन्होंने दिल पे ले लिया है इन्होंने दिल पे ले लिया है मजाक मत किया करना
ऐसे ही है। आप लोग जो बेस है वो क्या है? HTML, CSS, TypeScript जिसमें JavaScript शामिल है, ये आपकी बेस लाइन है। ये तीनों चीजें आप नहीं छोड़ेंगे। उसके साथ साथ जो उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वो हम किस पे कर रहे हैं? Next.js पे। किस पे कर रहे हैं? Next.js पे। Next.js में आप लोग पूरी प्रैक्टिस सीखेंगे, React के साथ, Figma के साथ, Tailwind के साथ। ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। अगले क्वार्टर में फिर AI है। ये जो एप्लीकेशन आपने बनाई, लेट सपोज गवर्नर हाउस आपकी एप्लीकेशन AI है, yes, sir. जो गवर्नर सिंह हमारे मिस्टर कमरांटी सॉरी इनकी वेबसाइट बनी हुई, राइट। अगर मैं बोलूं कि मुझे इसमें चैटबॉट लगाना है, बताएं सर, बना बनाया विजिट आता है, सिर्फ स्क्रिप्ट रखनी होगी और एक टिप देनी होगी, जस्ट की डॉक्यूमेंटेशन से वो जो बोलेगा वो कर लेंगे। ठीक है, ये नहीं भाई, इन्होंने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, और क्या किया हुआ है इन्होंने, उसमें AI में इंटीग्रेट किया हुआ है। लॉगिन करते हैं, ये अभी ऑथेंटिकेशन हो गई है, वेबसाइट आइडेंटिफाई हुई, ठीक है। इसको जूम इन करें, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें और ब्लॉग टाइटल आपको जनरेट करके देगा। ब्लॉग नीश क्या रखे हैं, किस टाइप का ब्लॉग, कुकिंग करना, बिरयानी, ठीक है, जनरेट करें भाई। ये आ गया आपके पास, ये सारे ब्लॉग्स आ गए। तो क्या हुआ, AI के जरिए ना जनरेट करके दिया, लेकिन ये Next.js पे बनी हुई है, किस पे बनी हुई है, Next.js पे। Next.js पे आपने HTML CSS लिखी, TypeScript लिखी, यूजर से इनपुट लिया, कैसे उसको भेजना ये सीखा, उसके बाद AI कनेक्ट करवा के AI का डेटा आपने यहाँ दिखा दिया। API कह सकते हैं ना, LLM कह सकते हैं, LLM भी APIs होती है, ठीक है। LLM कस्टम तो नहीं बना हुआ है ना? नहीं, कस्टम नहीं, कस्टम अलग चीज़ है। अच्छा, ये जो वेबसाइट है इसका तो मैंने जो फ्रंट एंड सारा कुछ है वो मैंने Next.js के अंदर बनाया। अगर आप देखेंगे सर, बैक के बटन पे दबाइए, बैक बटन अच्छा यहाँ पर देखें, अगर आप ब्लॉग टाइटल पे क्लिक करते हैं तो ये आपको ब्लॉग के टाइटल जनरेट करके देगा। अगर आप अपना YouTube की डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं तो वो आपने सिर्फ उसको टॉपिक देना है, वो सिर्फ जनरेट करेगा। अब जनरेट कहाँ से करेगा, ये जनरेट करेगा Gemini से। Gemini पढ़ा है आप लोगों ने, देखा है आप लोगों ने, AI यूज़ किए होंगे, या तो आपने ChatGPT यूज़ किया होगा, या तो फिर आप लोगों ने मेटा AI या फिर Gemini। Gemini की एक APIs आती है, API का पता है, API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जिसको नहीं पता उसको मैं सिंपल करके आसान लफ्जों में बताता हूँ कि अब जो हम लोग यहाँ पर फिशिंग सर ने लिखा है ना, इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जैसे ही जनरेट पे क्लिक करेंगे ये वर्ड जाएगा सीधा Gemini के LLM पे, Gemini की तरफ जाएगा, Gemini देखेगा इसके जो है ना मुझे ब्लॉग के टाइटल जनरेट करने, वो क्या करेगा 5-10 जो है ना जिसके अपना मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर कुछ सेट किए हुए हैं कि जो भी आपको कोई टॉपिक दे आपने इसके 5 ब्लॉग के टॉपिक्स जनरेट करने। अब वो मेरे टेक्स्ट को मिला के ये जो फिशिंग का है, ऐसे समझ लें कि हमने एक वेरिएबल रखा हुआ है, जो यहाँ पर वैल्यू देंगे वो वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगी, वो पूरा मिला हुआ एक टेक्स्ट जाएगा Gemini की तरफ। Gemini क्या करेगा, वहाँ से अपना इसके जो है ना ब्लॉग के टाइटल जनरेट करेगा, जनरेट करके डायरेक्ट फिर APIs के थ्रू मुझे अपनी मेरी वेबसाइट पर भेजेगा जो कि मैंने यहाँ पर शो करवाए राइट साइड में। अब हमने क्या किया है, उसके LLM को यूज़ किया है, मतलब कोई भी AI होता है ना, जैसे हमारे पास ChatGPT है, इनके पीछे में बड़े LLM होते हैं। LLM का क्या मतलब है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया है, बहुत सारा डेटा, दुनिया भर का डेटा उठाकर किसी मॉडल के अंदर उन लोगों ने स्टोर कर दिया, उसको ट्रेन कर दिया। अब हमने क्या करना होता है, Gemini से अगर हमने कोई सवाल पूछना है वो हमें जवाब देता है, कोई चीज़ हमने टेक्स्ट जनरेट करवाना हो, कोई इमेज जनरेट करवानी हो, वो हमें जनरेट करके दे देता है। अब हमने क्या किया, अपनी वेबसाइट को उसके LLM से कनेक्ट किया, ठीक है, किसके थ्रू, APIs के थ्रू। आगे चल के यहीं पर इसी क्लास के अंदर हम लोग APIs को भी पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी और वेब एप्लीकेशन को अपनी वेब एप्लीकेशन के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, वो सब सीखेंगे हम लोग।
लेकिन यहाँ पर सर आपको बता रहे हैं कि आगे जाकर हम लोग एआई को इंटीग्रेट करेंगे अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो ये एक नॉर्मल वेबसाइट है, आपने वेबसाइट बहुत सारी देखी होगी, लेकिन इसके अंदर क्या इंटीग्रेट किया हमने, एआई को। कौन सी एआई? जेमिनी को। ठीक है, इस तरह से आप लोग भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और आगे चल के बहुत कुछ है हमारे पास, तकरीबन थर्ड क्वार्टर में जाकर हमने एजेंटिक एआई पढ़ना है। तो आप लोग तैयारी पकड़ लें कि अभी आप लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है, इसको पढ़ें डिटेल में। बेसिक जो होती है ना, बेसिक चीज़ें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ते ना, बेसिक को आप लोग ध्यान लगा के नहीं समझते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना, फिर आगे की चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूज करती हैं, फिर आप लोगों का थोड़ा सा जो है ना नर्वस हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो कोशिश करें आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, जैसे सर ने पढ़ाया। अब आप लोगों ने कल जाकर क्या करना है, फिग्मा को देखना है, फिग्मा की कोई डिज़ाइन उठा लेनी है और उसको जाकर बना लेना है। चल फिग्मा आपको नहीं समझ आता, गवर्नर हाउस की जो अपना गवर्नर सिंह की जो वेबसाइट है ना, इसको बना लेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करें बना लें, कोई और वेबसाइट बना लें, लेकिन काम करें। घर फारिग नहीं बैठे, रोज 3 से 4 घंटे जो है ना कोडिंग को दें। जब आप 3 से 4 घंटे रोज देंगे ना, बहुत सारे आपको एरर फेस करने को मिलेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी से हेल्प लेंगे, लेकिन सीखता वही है जो गलतियां करता है, फिर गलतियों से सीखता है। जिस बंदे ने गलतियां की और अपनी गलतियों से उसने सीखा, वो कामयाब हो गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये आपके तरह स्टूडेंट तो आज पूरा प्रोडक्ट बनाया, यही बात हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस पर ग्रैप कर लें, क्योंकि ए आई को कहीं तो इंटीग्रेट करके दिखाएंगे ना, तो ये जगह इस क्वार्टर में हम चाहते हैं। जी अजान हो रही है, तो आज घर पे जाएंगे आप लोग, एशियन सेंसेस वो अच्छी तरह देखेंगे, पूरा ऑफ टाइप लोगों के पास। ठीक है, टाइप स्प्रिट आप लोगों को आती है, और फिगमा के ऊपर कोई भी टेम्पलेट उठा के या वैसे गवर्नर हाउस की वेबसाइट को देख के वेबसाइट बना के लाएंगे। ये आप लोगों ने करना ही करना है, हमारे आपको एक सोच नहीं चाहिए। ठीक है, ये पूरा आप लोगों, मैंने यहाँ से भी इंस्पेक्ट करना सिखा दी, कैसे इंस्पेक्ट करते हैं सिखा दी है ना। यस सर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, राउटिंग आप लोगों को आती है, राउटिंग आप लोगों को आती है, लिंकिंग भी आती है, तो आप लोगों की अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि इस पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करें तो यहाँ से मुझे फंक्शनलिटी चाहिए कि फेसबुक से लॉग इन, लेकिन ये स्टैटिक पेज तो बना के दिखा दें मुझे आप। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट का पेज पे ये तो बना के दिखा दें आप, बेसिक चीज़ बना के दिखा दें। भले इस पर रिजल्ट नहीं आया बैकेंड से, अभी उठ के एपीआई इंटीग्रेट करना नहीं सीखी आप लोगों ने, लेकिन ये बेसिक चीज़ तो दिखाएं। मेक सेंस? यस सर। ऑल क्लियर? यस सर। कोई कन्फ्यूजन? नो सर। ये काम आप लोगों ने करना है, लाजमी करना है। अब जिन लोगों को रोड मैप क्लियर नहीं था, उनको क्लियर हो गया है, हैंड रेस कर दें प्लीज कि रोड मैप क्लियर है। सर रोड मैप के लिए जो है वो आप नोट पैड पे लिस्ट बना दें कि क्या क्या करना है, ताकि जिन लोगों ने अगर ना भी सुना हो या कंफ्यूज भूल गए। देखें मैं बता, आप लोगों ने क्या सीखनी है, HTML 5, ठीक है, CSS 3, CSS 3 के बाद क्या आपके पास, JavaScript के पास आपके पास क्या है, Next.js, जिसमें आपके पास रिएक्ट आ जाती है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास क्या आता है, फिग्मा। ठीक है, टेलमेंट CSS, टेलमेंट CSS के बाद आपके पास क्या आता है, ठीक है, शर्ट सी एल और जरूर पड़ी वो देखेंगे हम, और HTML, सॉरी सही है, और रिएक्ट, इसके अंदर रिएक्ट है। ठीक है, फ्रंट एंड के लिए दिस इज मोर देन इनफ, इन चीज़ों की हाथ साफ कर लें, और बुट्टे को ये 3 चीज़ें आप लोग सीख चुके हैं, जिसने नहीं सीखी उसका अल्लाह हाफिज़ है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये आप सीख रहे हैं, तो ये चीज़ आप सीख रहे हैं, इस पर कनेक्टिविटी होगी। बाद में आप क्या करेंगे, आप बाद में पढ़ेंगे AI, क्या पढ़ेंगे, AI को इंटीग्रेट करना सीखेंगे इन्हीं सारी चीज़ों के साथ। मेक सेंस? यस सर। उसके बाद आप AI को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, जैसे एजेंटिक AI क्या होती है, जनरेटिव AI क्या होती है, किस तरीके से LLMs काम करते हैं, ट्रेन कैसे होते हैं, उनको कौन से LLM को किस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए, LLM का मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, किस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी ज़रूरत हो सकती है, APIs क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप आगे आ रहे हैं एडवांस क्वार्टर्स में सीखेंगे। लेकिन उस वक्त नहीं भाई, मुझे एक उम्मीद है वो वाले बच्चे एलिमिनेट हो चुके होंगे जो मेहनत नहीं कर पा। जी, तो जब AI पढ़ेंगे तो डेफिनेटली पैथन भी पढ़ेंगे आप,
ठीक है, पाइथन के साथ फिर आप हो सकता है कि फास्ट एपीआई पढ़ेंगे आप, ठीक है, फास्ट एपीआई के साथ आप डेटाबेस पढ़ेंगे आप, मेनी मेनी थिंग्स, पांडा, ठीक है, पांडास, वो नहीं वो नहीं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको अभी कवर करनी है, आप यहां तक रखें फिलहाल, ये काम आपने करने ही करने हैं। अगर ये काम आपने नहीं किए, मैं आपको स्ट्रेट बोल रहा हूँ, घर पे बैठ जाएं, कल से क्लास में बताइए। मेरी बात बहुत मुश्किल लग रही होगी आपको सुनने में, बहुत हार्श बात होगी, लेकिन ये रियलिटी यही है। बजाय इसके कि आप क्वार्टर की कोई 12-13 या 14 क्लास हो रही हो हमारी, उसका पुलिस साहब समझ ही नहीं आया रोड पे क्या था सर, कंफ्यूज थे, बहुत प्रॉब्लम थी, उससे बेहतर है घर पे बैठ जाए। और अगर ये इन सब चीज़ों को फोकस कर सकते हैं तो कर लें, और इधर उधर की बातों पर कान ना धरें, ये कर सकते हैं तो नेक्स्ट क्लास में दिल से आएंगे, नहीं कर सकते तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्टेशन बुलाएंगे। और मैं स्ट्रेट कह रहा हूँ ये बात कि हम इवेल्युएट कर लेंगे आपको कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। यस सर, ठीक है, यस सर, आज की क्लास समझ में आई? यस सर, क्लियर हुई? अभी हमारे पास आधा घंटा बाकी है, यस सर, तो इसमें हम मजीद कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, ओके सर, ठीक है, यस सर। शेड सीडीएन भी टेलमेंट सीसीस की तरह ही है, सिमिलर टू दैट, थोड़ी सी सीएन आई थिंक, शेड सीएन, शेड सीएन, हां शेड सीएन, यू राइट, यू आई अगेन, चलें आप मुझे बात बताएं। अगर देखो आप लोग एक चीज दिखाता हूँ मैं, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 में रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, ये मैंने सीएसी नंबर डाला 4 2 1 0 1 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जो भी है एक डमी सी एसी नंबर डाला। नेटवर्क टैब पे आ जाइए, देखें क्या होगा, क्लिक किया मैंने, ये मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, गॉट रिजल्ट। एक बैकएंड के ऊपर, बैकएंड किसको कहते हैं, ये आपको फ्रंट एंड है, एग्जाम्पल देके समझाओ, किचन, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने कहा वेटर से सर्वर से एक प्लेट बिरयानी है, ठीक है, वो किचन में गया आपकी रिक्वेस्ट लेकर, किचन क्या हुआ आपका बैकएंड, आप क्या हुआ फ्रंट एंड, जो बीच में रिक्वेस्ट लेके गया वो कौन हुआ उसका सर्वर या एपीआई कह सकते हैं उसको, वो बैकएंड से रिस्पॉन्स लेकर आया कि बिरयानी सर खत्म हो गया, खिला देते हैं, क्या हो गई हमारे केस में क्या हुआ कि हमने जो रोल नंबर दिया और सीएनआई नंबर दिया उसके वजह से मेरे पास बैकएंड से रिस्पांस क्या आया, द स्टूडेंट नॉट फाउंड, सर डबल क्लिक कर लें इस पे, ये क्या आया लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने एरर भी शो करा दिया वाला, अगर मैं दोबारा गेट रिजल्ट क्लिक करूँ तो एरर आ गया, दिस स्टूडेंट नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। ये सब चीजें आप इंटीग्रेट करना सीखेंगे, अपने रिजल्ट आप लोगों ने ऐसे चेक किया था यहाँ से, यस सर, पंक्चुअलिटी लगी हुई तो चेक किया ना, yes. अब बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, किचन के अंदर जो बैकएंड है आपका, जो शेफ है, जो कुक है, वो बिरयानी की पूरी रेसिपी अपने पास उठा के रखता है, बिरयानी कहने के स्टोर करके रखता है, ठीक है, वो हर चीज इसी तरीके से आपका डेटा वो कहाँ होगा, पतीले में तो नहीं होगा, डेटा बेस में होगा, कहाँ होगा, डेटा बेस, डेटा बेस में होगा, ऐसा नहीं होगा भाई कि एक टाइम में निकालना पतीले में, सर ऐसा हो सकता है, डेटा बेस से टाइम को सर्च करेगा, ठीक है, अभी सर नईम जो है हमें वो एक एग्जांपल देके ड्रॉ करना है। अच्छा, अभी सर ने पूछा कि बैकएंड क्या होता है, तो अभी मुझे यहाँ से आवाज़ आई कि डेटाबेस, डेटाबेस बैकएंड नहीं होता, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, अभी हम लोग देखते हैं, सर चले देखें, सर ने अभी एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी, तो हम उसी रेस्टोरेंट की एग्जांपल को लेकर चलते हैं। जब भी फर्ज करें कि आप लोग भी कभी कभार रेस्टोरेंट पे खाना खाने जानते होंगे, ठीक है, आप लोग गए खाना खाने, आप लोग गए टेबल पे बैठे, आप लोगों ने देखा कि होटल किस तरह का था, क्या कलर थे, किस तरह से चेयर्स पड़ी हुई थी, आपके पास एक वेटर आया, आपसे पूछा मेन्यू में कि भाई आप क्या खाएंगे, आपने फ़र्ज करें कुछ बिरयानी वगैरह ऑर्डर कर दी, वो बिरयानी लेकर चला गया,
थोड़ी देर पहले वो थोड़ी देर बाद वो किसने क्या किया, वो बिरयानी लेकर आपके पास आया, आपने बिरयानी खाई, आप चले गए। आप लोग जिस रेस्टोरेंट पे गए ना, जो भी चीज़ें आपको नज़र आई रेस्टोरेंट की, जो भी चीज़ें आपको नज़र आई वो क्या है, फ्रंट एंड। एक वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट का जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही होती है ना, जो कि फिजिकली हमें नज़र आ रही होती है, ये सारा का सारा क्या होता है, फ्रंट एंड होता है। तो ये जो हमारा है, ये हमारा है फ्रंट एंड। उसके साथ अब आपने आपने एक चीज़ नोट की कि जब आप लोगों ने ऑर्डर की बिरयानी, तो वो जो वेटर आया, वेटर ने क्या किया, वो गया बिरयानी लेकर आ गया, लेकिन आपने ये सोचा कि वो आपका ऑर्डर लेकर कहाँ गया, कहाँ से बिरयानी बनी, कहाँ से वो बिरयानी लेकर आया, तो वो उसने क्या किया, आपका ऑर्डर लिया, वो गया किचन में, किचन में कोई शेफ बैठा था, उसने जाकर उसको ऑर्डर दिया, उसने बिरयानी बनाई और लाकर आपको दे दी। मतलब कि जो चीज़ें आपको नज़र आई वो फ्रंट एंड था, वेटर चला गया कहाँ पे, बैक एंड में। अब किचन क्या है, बैक एंड है, जहाँ पर जो ये सारी प्रोसेसिंग हो रही थी वो काट क्या था, बैक एंड था, जिसको हम लोग कहते हैं सर्वर है। ठीक है, फर्ज करें एक सर्वर है। फ्रंट एंड से वेटर गया बैक एंड की तरफ, सर्वर की तरफ। अब सर्वर के साथ साथ एक अदद उसके पास स्टोर रूम भी था, जहाँ पर चावल वगैरह पड़े हुए थे, जहाँ पर उसने अपना सामान रखा हुआ था। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस। क्या कहते हैं, डेटाबेस। ठीक है, एक हमारे पास होता है फ्रंट एंड, एक हमारे पास होता है बैक एंड, और उसके साथ होता है डेटाबेस। जब भी कोई चीज़ स्टोर करने की बात आती है ना, तो सर्वर कम्युनिकेट करता है हमेशा डेटाबेस के साथ कि भाई चावल की बोरियाँ आप उठा के रख दो, या फिर चावल पड़े में उठा के ला दो। अब ये जो वेटर आया हमसे, हमारे हमसे मेन्यू में अपना कुछ ऑर्डर लेकर गया, कहाँ पे गया, बैक एंड की तरफ। कहाँ गया, बैक एंड की तरफ। ये जो वेटर था ना, ये वेटर एपीआई था। क्या था, एपीआई। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब जितना उसका नाम मुश्किल है ना, इतना उसका काम मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसका नाम जितना मुश्किल है उतना उसका काम मुश्किल नहीं है। मतलब कि जो हमें फ्रंट एंड से बैक एंड पे जो है ना कम्युनिकेट करवाए, वो एपीआई होता है हमारी। या फिर एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करवाए, वो होती है एपीआई। ठीक है, अब जब हमारे पास डेटा स्टोर करने की बात आती है, तो इस बैक एंड से कुछ एपीआई जाती होगी डेटाबेस की तरफ, वो वहाँ से हमारे पास डेटा लेकर आती है। तो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके अंदर कंप्लीट वेबसाइट होने के लिए एक उसका फ्रंट एंड होता है और एक उसका बैक एंड होता है, जिसके अंदर डेटाबेस भी शामिल होता है। ठीक है, क्लियर है? Yes. तो ये था बस सिंपल लॉजिक। अब ये चीज़ें किस तरह से बिहाइंड द सीन काम करती हैं, ये जब सर्वर साइड रेंडरिंग और क्लाइंट साइड रेंडरिंग पढ़ेंगे तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। सर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में करेंगे बिल्डिंग। थैंक यू वेरी मच सर, नहीं बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। खोलिएगा एक्सेल ड्रॉ को, इसमें बीच में फ्रंट एंड लिख दें। हाँ, यहाँ पे लिख दें फ्रंट एंड। ठीक है, इसी के साथ लिख दें बैक एंड और वो लिख दें डिटेल्स। आम जमाने में फ्रंट एंड को क्या बोलेंगे, क्लाइंट ब्राउजर, जो रेस्टोरेंट की वो जगह जहाँ जाके बैठे। ठीक है, बैक एंड क्या बोल सकते हैं आप, किचन या जहाँ से ऑर्डर प्लेस होता है और जहाँ पे उनका खाना रखा हुआ है सारा, उसको क्या बोल सकते हैं, स्टोर रूम, स्टोर रूम। क्लियर हुआ, दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग। जब आप फेसबुक पे जाते हैं ना, फेसबुक पे यूजर ने पासवर्ड लिखते हैं, फ्रंट एंड बात करता है बैक एंड से, बैक एंड बात करता है डेटाबेस से, वो डेटा लाता है, वो फ्रंट एंड पे जाता है। अगर आप बिल्कुल ऑथेंटिकेट हुआ है तो बोलिए यू आर टू, वरना वो क्या कहता है, रुक जाए भाई एक बार। गर्ल्स क्लियर है, बॉयज क्लियर है, चीज़ें समझ में आई आज? और तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने फिग्मा को देखा, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली उसकी। फिग्मा के साथ साथ हमने स्पेक्ट एलिमेंट सीखा, स्पेक्ट एलिमेंट में स्टाइल्स और कंप्यूटरी का काम करते हैं। उसके साथ हमने नेटवर्क टैब देखा, हमने कंसोल देखा, हमने एलिमेंट टैब देखा। इसके साथ साथ हमने फ्रंट एंड बैक एंड की पूरी एक हाई लेवल ओवरव्यू देखा, जिसको हमने एक डायग्राम ड्रॉ करके चेक किया कि किस तरीके से चीज़ें काम करते हैं। एनी कन्फ्यूजन सो फार?
नौ सर। हैंड प्रेस करके बताएं कि आज की क्लास समझ में आई। वैसे कितने स्टूडेंट्स जिनको आज की क्लास समझ में नहीं आई, हैंड प्रेस करें तो दो तीन चार निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप लोगों ने सारी चीजों को आगे लेके चलना है। अगर आप लोग इस तरीके से आगे लेके चलने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ आप इंशाल्लाह अच्छे पैसे कमा लेंगे। और अगर आप इस तरीके से लेके चलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर के बाद आप बाहर निकल के बोलेंगे गवर्नर हाउस का कोर्स बहुत खराब है और आपने जैसे 10 लोगों को डिमोटिवेट करेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन लेकर आए लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। अगर मेरी छुट्टी होती है ना, ये बहुत मेरी मजबूरी की हालत में होती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। मतलब प्रीवियस क्वार्टर में पूरा जो क्वार्टर जिसकी मैंने ओनरशिप ली थी, मैंने पढ़ाया था, मेरी एक भी ऑफ नहीं, और मैं ठीक 7 बजे क्लास में मौजूद होता हूँ। और मैं इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखता हूँ कि जिस चीज़ की मैंने ओनरशिप ले ली, वो हमेशा अपने सर से वो जिम्मेदारियाँ पूरी करनी है, हाल में करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। यही काम आप लोगों ने करना है अपने साथ, कि भाई घर में शादी है, घर में कोई इवेंट है, कुछ भी हो रहा है, अपने घर वालों के पास बोलनी है कि ये मेरा डेडिकेटेड टाइम है, इसमें मैंने काम करने के लिए। या तो अपने साथ अभी सिंसियर हो जाए और वो मेहनत कर लें, या दूसरे लोगों को देख लें। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, जब आप लाइफ अपनी डिसिप्लिन करते हैं तो बहुत सारे लोग आपसे नाराज होते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। yes, मैं रात में 10:30 बजे यूजली सो जाता हूँ। मेरे दोस्त रात में दो दो एक एक बजे तक घूमने होते हैं, कभी कहीं कभी कहीं कभी कुछ। ठीक है, बड़ी अच्छी अच्छी ऑफर्स आती हैं, यहाँ खाने चलते हैं, वहाँ चलते हैं, किसको बुरा लगता है? एग्जाम्पल देके बताता हूँ, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। कराची में एक स्टेक हाउस है, बहुत मेगा स्टेक है उसका, 20,000 रुपीज का एक स्टेक है उसका। कितना? 300 ग्राम का पैटी है, छोटा सा बर्गर का, 300 ग्राम बर्गर कह रहा हूँ, सॉरी जो पीस है ना वो 300 ग्राम का है, पैटी भी नहीं कहेंगे उसको। लेकिन मुझे दावत आई कि उसामा भाई बस आवाज़ चल रहा है, मैंने कहा सॉरी मैं नहीं आ सकता, आपको लेके चल रहा है, मुझे 6:30 भी नहीं चले, वो भी हफ्ते के दिन, मंडे में नहीं जा सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे खा चुका हूँ, बट द पॉइंट इज कि जब आप डिसिप्लिन होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आते हैं जो मेरे बहुत करीबी स्कूल के दोस्त हैं, वो उससे कहते हैं क्या हो गया, अब दोस्त ऐसी बात करते हैं, क्या हो गया तुझे, ऐसी बात करते हैं ना दोस्त आपस में, एक घंटा और थोड़ा देर से सो जाएगा तो क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई फजर नहीं मिलती सुबह, ठीक है, सुबह 6 बजे फजर हो रही है, तहज्जुद में उठते हैं तो आपको थोड़ा जल्दी सोना पड़ेगा, तो ये नहीं मिलेगी आपको। अब होता क्या है कि दोस्ती यारी में कभी अगर चले गए तो अगले दिन अल्लाह ने करे फजर भी सोया तो फिर अफसोस रहता है पूरे दिन, डिसिप्लिन। अब जब आप रात में सोएंगे 10:30 बजे, सुबह 6 बजे उठेंगे, ऑटोमेटिकली 1.5 हफ्ते में फ्रेश होना शुरू हो जाएंगे खुद ही। फिर उसके बाद अल्लाह से मांगे, मांगने के बाद अपने दिन का स्टार्ट करें, अल्लाह ताला से दोस्तों की तरह बातें करें, ठीक है, अल्लाह से मांगे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, और ये जो दूसरे मजाहब के लोग हैं वो अपने गॉड से मांगें, जिस तरीके से भी होता है, तो वो कंटिन्यू करें। उसके बाद फिर अपनी लाइफ को सुबह स्टार्ट कर दें। अब यूजुअली जो ऑफिस का टाइम होता है ना, लोग 8:30-9 बजे ऑफिस निकल के जाते हैं, ऐसा ही है, इससे पहले तो नहीं होता ना, उससे 6 बजे से लेके आपके पास 7-8 बजे तक टाइम है 2 घंटे का प्योर टाइम, जिसमें पूरा घर सो रहा होता है, ऐसे ही होता ना आमतौर पर, जिसमें पूरा घर सो रहा होता है, आपके पास कितना अच्छा टाइम है कि आप काम करें उस वक्त। चले वो समझ में आ रहा, घर के करीब कोई पार्क है वहाँ चले जाएँ, 1 घंटे वहाँ बैठ के विटामिन डी ले लें। लाइफ को इस तरीके से मैनेज करेंगे ना, तो उससे फिर आपसे बहुत सारे लोग ना नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन आपने उनकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि 1.5 साल बाद जब आप इस मकाम पर पहुँचेंगे ना, तो आप को लोग फॉलो कर रहे होंगे। मैं अभी की एग्जाम्पल देता हूँ आपको, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके भाई हैं, उनकी एज है तकरीबन 48, उनसे बहुत बड़े हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, उसमें एक काम करो, जो काम मैं करता हूँ ना, यकीन करो इस काम में पैसे नहीं है और चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही, तो तुम एक काम करो, किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ना मुझे थोड़ा सा गाइड कर देना। मुझसे बच्चों की तरह एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, मुझसे अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, कैसे करना है,
फिर वो बैठते हो सर ये कर ले ये कर ले ये कर ले कह रहे मैं रोजाना के 4 घंटे दूंगा लेकिन मैं इसको कर लूंगा। तो क्या है हालत भी अच्छी नहीं है, मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ। अगर आप किसी और फील्ड में जाके जॉब करते हैं तो कितनी कमा लेंगे? वैसे मैंने बताया टीचिंग से कितना मिलता है 20,000, 30,000, 40,000, बी के नाउस को पढ़ाएंगे 50,000, ठीक है। मैं स्पेसिफिक किसी स्कूल का नाम नहीं ले रहा, लेकिन किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो कितने मिल जाएंगे? 70,000, 80,000, 1,00,000 रुपये। 1,00,000 में क्या होता है? घर में बिजली का बिल कितने का आता है? 15,000-20,000 से कम का तो नहीं आ रहा होगा ना? किसी का ऐसा है कि 10,000 का बिजली का बिल आ रहा हो? ठीक है, फिर ग्रॉसरी कितने की आती है? 15,000 रुपए की ग्रॉसरी ना 2-3 लोगों की। फिर उसके अलावा रेंट पे रहते हैं तो घर का रेंट कितना है कराची में? 20-25,000 से कम रेंट है कहीं पे? ठीक है, फिर उसके बाद आपका आना जाना, ट्रैवलिंग है, स्कूलिंग है, देयर आर मेनी थिंग्स अगर आपके बच्चे हैं तो कैसे करेंगे? अभी मेहनत कर लेना, कामयाब हो जाएंगे। और ये मेरे जुमले आपको याद आएंगे, ये आपको जुमले आज से 2-3 साल बाद जरूर याद आएंगे कि सर बैठे हुए, सर नईम सर उसमें सर से बैठे हुए बात समझा रहे थे और हमें समझ भी नहीं आ रही थी। या तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे या आप आगे निकल जाएंगे। इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिग्मा को डिटेल में देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके टास्क हैं, आप लोगों ने फिग्मा के थ्रू घर पे आके बनाने में पेजेस बनाने में मेहनत करनी है। फाइन, चले, ख्याल रखिएगा।